क्या आप बता सकते हैं कि आप जब भी किसी भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आपको सब लोगों में जो एक चीज सबसे कॉमन देखने मिलेगी वो क्या है? सोचो सोचो। चलिए मैं ही बता देती हूँ, और वो है, सभी लोग एक कॉफी ब्रेक का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए एक मीटिंग में या एक कॉन्फ्रेंस में कई कॉफी ब्रेक को रखा जाता है। क्या यह समय की बर्बादी है? आखिर कॉफी ब्रेक क्यों जरूरी है? एक्सपर्ट्स बतलाते हैं कि चाहे घर पर वर्चुअल मीटिंग में भाग लेना हो, या ऑफिस में काम करना हो, या फिर कॉन्फ्रेंस में शामिल होना हो, और तो और अपने पुराने दोस्तों से मिलना हो, सब जगह कॉफी ब्रेक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बर्न आउट और अतिरिक्त तनाव से बचाता है। इसके अलावा इससे कार्य की गुणवत्ता और प्रदर्शन प्रभावित होता है। कॉफी ब्रेक के बाद यह पाया गया है कि व्यक्ति का परफॉर्मेंस और मेमोरी में सुधार आ जाता है। मस्तिष्क अधिक कुशलता से काम करता है। अधिक सतर्क महसूस करने के परिणाम स्वरूप कम गलतियां होती हैं। कॉफी ब्रेक समाजीकरण के लिए भी जरूरी है और लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। यह कर्मचारियों के लिए एक दूसरे को जानने और दोस्ती करने का एक सही अवसर होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कॉफी ब्रेक समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह समय का एक सही इन्वेस्टमेंट है, और कॉफी भी जरूरी है। अब मैं जा रही हूँ कॉफी पीने, क्या आप चलोगे?